जितने भी सहारा इंडिया निवेशक हैं खासकर गुस्से में हैं। आपको बता दें उनका गुस्सा जायज भी है क्योंकि 45 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी उनका अमाउंट उनके अकाउंट पर वापस नहीं आया है। बहुत ज्यादा वो लोग गुस्से में हैं। आपको बताते चलें, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि अब सहारा इंडिया कंपनी के लोगों का पैसा वापस लौटाने वाली है। जिस भी व्यक्ति ने पहले कभी भी इस कंपनी में निवेश किया था, यह खबर उसके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। जी हाँ, सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ पैसा वापस लेने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम और दायरे भी निर्धारित किए गए थे। इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी बनाई थी। आवेदन प्रक्रिया को लागू करने का सरकार का एक ही लक्ष्य था कि जिनसे भी इस कंपनी में निवेश किया था उसे उसका निवेश किया हुआ पैसा आसानी से वापस मिल जाएगा। इस कंपनी से अपना पैसा वापस लेने के लिए कई लोगों ने आवेदन दिया था। आपको बता दें चले, लगातार लोगों का गुस्सा इस कदर और बढ़ा है कि उनका 45 दिन बीत जाने के बाद भी उनका अभी तक पैसा उनके अकाउंट में वापस नहीं आया है। आवेदन करने के बाद में कई लोगों को उनके आवेदन पत्र में, आपको बता दें, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड की स्थिति दिखाई दे रही है, जो यह संकेत करती है कि उनके फॉर्म में कहीं न कहीं कोई कमी या त्रुटि पाई गई है। आपको बता दें चलें, कोई उनके फॉर्म में एरर है। अगर आपने भी इसके लिए आवेदन दिया है और आपको भी यह देखने को मिल रहा है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपको बता दें अगर आपके फॉर्म में कोई एरर है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, देन आप उसको दोबारा से उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने भी सहारा इंडिया कंपनी से रिफंड प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है और आपको भी नहीं अभी पैसा मिला है तो कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में कोई एरर होगी, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, इसलिए आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है। इसमें कई गलतियां भी हो सकती हैं, इसकी वजह से आपको यह देखने को मिल सकता है। इसमें पहली गलती यह होती है कि जो व्यक्ति अपने आवेदन पत्र को सही तरीके से नहीं भरता है उसे यह स्थिति अपने आवेदन पत्र में सबसे पहले दिखाई देती है। तो पहले हम आपको ये बता दें कि आपके पास पहले तो ये है कि आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपडेटेड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपने फॉर्म सहारा इंडिया जब निवेश किया था उस समय जो आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया था वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर पड़ा है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके पास उसी मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कहीं ना कहीं नाम में आप कोई करेक्शन कर देते हैं। अगर आपका नाम कुछ आपने इसको गलत किया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। आपको बता दें चलें, आपके पास वैलिड आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपके पास करेक्ट मोबाइल नंबर होना चाहिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।